स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश अपने शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का आगाज किया है। इसके प्रथम चरण में आज मध्य प्रदेश के लगभग 8000 शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अभिरुचि परीक्षण में अपनी दिलचस्पी दिखाई। आपको पता हो, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने पहली बार अपने विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए कैरियर गाइडेंस के क्षेत्र में कदम रखा हुआ है और इस क्षेत्र में पहला कार्य था छात्र छात्राओं से उनकी अभिरुचि प्राप्त करना। छात्र छात्राओं का किस ओर रुझान है, किस क्षेत्र में उनकी दिलचस्पी है, इस बात को जानना और इसके लिए मध्य प्रदेश कैरियर मित्र नाम के एक मोबाइल ऐप के द्वारा आज बच्चों का परीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 140 प्रश्न प्रत्येक छात्र को हल करने पड़े और ये मोबाइल के द्वारा ही ऐप के माध्यम से उन्होंने ये हल किया। इस अभिरुचि परीक्षा के विश्लेषण के बाद उन बच्चों के अभिरुचि के अनुसार उनको कैरियर के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्हें किस विषय से आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, किस क्षेत्र में उनको जाना चाहिए, कौन से कॉलेज में उनको एडमिशन लेना चाहिए, किस प्रकार के कॉलेज में उनको एडमिशन लेना चाहिए, इस प्रकार की बातें उनको अगले कुछ ही महीनों में वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। शासकीय स्कूलों के बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस के क्षेत्र में यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। इनमें प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं ने अपनी बहुत अच्छी दिलचस्पी दिखाई और आज 15 फरवरी 2018 को शाम तक प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 3,00,000 बच्चों का परीक्षण डेटा अपलोड कर दिए गए और लगभग 8,000 विद्यालयों में ये अभिरुचि परीक्षण कार्यक्रम सफल रहा है। शेष बचे हुए छात्र छात्राओं की अभिरुचि परीक्षण कल 16 फरवरी 2018 को संपन्न किया जाएगा। आइए हम आपको इस अभिरुचि परीक्षण के दौरान और अभिरुचि परीक्षण के पश्चात छात्र छात्राओं की प्रतिक्रिया से रूबरू कराते हैं। और इन 140 प्रश्नों में बहुत सारे क्षेत्र हैं, क्या भविष्य के लिए अच्छा है, आपके भविष्य को निर्धारित। अप्रैल में भी आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद जून में एक कैरियर ग्राफ बन करके आपके ट्रिपल एसएम आईडी के द्वारा आप जब अपने इंस्टॉल करोगे नेट पर जाकर के एम कैरियर मित्र के वेबसाइट पर, तो आप अपने पूरे एमपी में कक्षा 10वीं के लिए किया जा रहा है। इस परीक्षण का उद्देश्य यह जानना है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, अर्थात आपके कैरियर के क्षेत्र में किस विषय में रुचि है, इसका परीक्षण आपको देना है। पूरी गाइडलाइन आपको प्राप्त हो चुकी है, अब जैसा जैसा हम यहाँ बताएंगे वैसे आपको स्टार्ट करना है और 140 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और उनके आंसर आपको देना है। इसके आधार पर आपको ये बताना पता चल जाएगा कि आपके किस गतिविधि में रुचि है और किस गतिविधि में रुचि नहीं है। आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है, बाकी हमने सेलेक्ट करके दे दिया है, आपको अपना नाम सेलेक्ट कीजिए। कन्हैया, दिलीप, संदीप, नाम सेलेक्ट करने के पश्चात आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके चार ऑप्शन हैं आपके पास, बहुत ज्यादा पसंद, थोड़ी पसंद, बिल्कुल पसंद नहीं। चार ऑप्शन में से गौर से पढ़िए, उन चारों ऑप्शन में से आपको एक पर टिक लगाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना टिटिया डाबी है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। 10th, अभी जो आपने एग्जाम दी अभिरुचि से संबंधित, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ऑनलाइन परीक्षा पहली बार दी आपने? हाँ। तो कितने प्रश्न थे उसमें? 140। किस विषय से संबंधित थे? ओ, कृषि के बारे में, विज्ञान के बारे में, फिर आर्ट और फिर वाणिज्यिक करने जैसे उनके बारे में था। तो ऐसा एग्जाम होना चाहिए? होना चाहिए। अभी आपके स्कूल में एमपी करियर मित्र की एक कार्यशाला कुछ दिन पहले संपन्न हुई थी, आज इस संबंध में आपने ऑनलाइन मोबाइल पर एक टेस्ट दिया है? यस सर। तो उस टेस्ट में, उस टेस्ट से संबंधित आपको स्कूल में जानकारी दी गई थी? हाँ सर, दी गई। ठीक है, तो आपको जानकारी किसने दी थी? सचिन सर ने, प्रिंसिपल सर ने और पाठक सर ने। ठीक है, तो आप ये बताइए कि एम करियर मित्र जो है वो आप इसको किस रूप में देखती हैं, ये क्या आपके लिए उपयोगी है? हाँ, कैसे बताएं? हमारे लिए उपयोगी कि हम जी साहब हम 10वीं पास करके जाके जाइए और ये हमारे लिए सहायक होता। नहीं, 10वीं पास आपने कर ली, उसके बाद किस प्रकार से उपयोगी है?
मतलब हम क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं वो ये हमें बता सकेगा कि हमारी उसके हमने जो दिया है उसके हिसाब से ये हमारे डिसाइड करेगा कि हम क्या सब्जेक्ट लें। तो करियर मित्र ऐप में आपने जब इसमें ऑनलाइन परीक्षा दी तो क्या आपको आपके इंटरेस्ट अभिरुचि के क्षेत्र से संबंधित इसमें आपको कोई प्रश्न दिखे? क्या दिखे आपको? ऐसे बहुत से प्रश्न से एक आध बताएंगे आपको, आपका आपकी अभिरुचि किस में है? मेरी सर मैथ्स के क्षेत्र में और आगे बढ़ने की है, तो मेरे को बैंक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिले, जैसे कि बैंक के बारे में आप क्या मतलब जानने के लिए रुचि रखते हैं, बैंक से संबंधित और आप क्या जान सकते हैं, ये सब उसी में मिला। बैंक से संबंधित क्वेश्चन थे सर। आपको कुछ मिला उसमें? मेरे लिए सर एडलिट अक्षर में मिला है, कृषि के बारे में, कृषि के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ इसलिए। तो कृषि से संबंधित उसमें कृषि से संबंधित प्रश्न थे? यस सर मिला। अच्छी बात है, तो आपका आपकी जो भी रुचि है वो कृषि संबंधित है? यस सर। ठीक है, आप बताएं जरा। इसमें कई तरह के क्वेश्चन थे। कैसे, कुछ याद है आप बताएं? सर उसमें मतलब मुझे भी मैथ्स से ही लेना है और मैथ्स में ही करना है, इंजीनियर इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें, तो उसके हिसाब से हम मतलब वो सब्जेक्ट चुन सकते हैं मैथ्स। और चिकित्सा क्षेत्र के भी बहुत सारे थे, जैसे कि आप चिकित्सा क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं और मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी क्वेश्चन थे, अच्छे लगे। अच्छा लगे क्वेश्चन। तो आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो ये इनिशिएटिव लिया गया है कि बच्चों को किस प्रकार से आगे करियर में डेवलपमेंट हो और उनका जो विषय का चयन हो वो सही हो, तो आपको ये ऐप बहुत अच्छा लगा? हाँ, इस प्रकार का टेस्ट देने में हमें बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा कभी हमने टेस्ट नहीं दिया था, जो कि इस टेस्ट देने के दौरान हमें यह पता चला कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या नहीं। ओके, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है? इस प्रकार का टेस्ट हमने पहले कभी नहीं दिया था और इस प्रकार का टेस्ट देने से हमको हमारी रुचि पता चली और इससे हमको बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट में लास्ट वाले की प्रतिक्रिया दीजिए, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये टेस्ट देके हमें बहुत अच्छा लगा और हमने इससे नई नई चीजें सीखी। आपने एग्जाम दिया उस काम में कैसा लगा? आपको अच्छा लगा? ऐसे एग्जाम होते हैं? किस बारे में प्रश्न आए? कितने प्रश्न? आपको कितने समय लगा करने? आपने परीक्षा दिया? अरे इसमें वाईफाई कनेक्शन देखे सर, आपके मोबाइल पर अपलोड कर रहे हैं सर, इसके बारे में कितने प्रश्न थे? 140 प्रश्न। अच्छा लगा प्रश्न करके, लो नेट को अपने वाले से कनेक्ट करके वाईफाई से अपलोड रुचि, मतलब ऐसे परीक्षा होती रहनी चाहिए जिससे आपको पता चलेगा कि हमें 10वीं के बाद में किस फील्ड में जाना है, और आप लोगों को पता है इसके बाद में काउंसलिंग होगी भोपाल में, क्या क्या आना है और आपके अध्यापकों को बुलाया बेटा, तुम दोनों लड़के कहां हो? तो इस प्रकार से आज ही अभिरुचि परीक्षण संपन्न हुआ। इसके बाद इन छात्र छात्राओं के द्वारा अभिरुचि परीक्षण में हल किए गए प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा, तत्पश्चात उन्हें यह मार्गदर्शन दिया जाएगा कि उन्हें किस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाना चाहिए। करियर मार्गदर्शन के क्षेत्र में किए जा रहे इस कार्य की आगे की जानकारियां भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। ये बहुत ही अभिनव कार्यक्रम है, छात्र छात्राओं के हित में है। हम चाहते हैं कि आप इस प्रकार की सूचनाओं को अपने बच्चों तक, आपके आसपास के बच्चों तक पहुंचाएं, उनके अभिभावकों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित हो सकें।